इंदौर में गुंडे बदमाशों के हौसले इतने बुलंद हो गए हैं कि दिन दहाड़े बाइक पर आए तीन बदमाशों ने एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी। वहीं आज हत्या करने वाले आरोपी का जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन ने मिलकर गुंडे गोटू का अवैध मकान ध्वस्त कर दिया। वहीं SP महेश चंद्र जैन ने बताया कि गोटू पर इंदौर के अलग अलग थाना क्षेत्रों में कम से कम 17 अपराध दर्ज है। यह कार्यवाही गुंडा अभियान के तहत की गई है। मकान तोड़ने में नगर निगम की टीम व भारी पुलिस बल मौके पर मौजूद रहे। दरअसल मामला जूनी इंदौर थाना क्षेत्र का है। कल शाम नगर निगम कर्मचारी राहुल की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जिसमें तीन आरोपी बाइक पर आए थे और राहुल की गोली मारकर हत्या कर दी थी। वहीं आज जूनी इंदौर पटरी के पास आरोपी गोटू का अवैध मकान पुलिस और निगम की टीम ने ध्वस्त कर दिया। पुलिस ने यह कार्यवाही इसलिए की ताकि गुंडों में पुलिस का खौफ बरकरार रहे। कल एक दुर्भाग्यजनक घटनाक्रम में एक पुराने आदतन अपराधी गोटू के द्वारा अपने साथियों के साथ में एक हत्या का अपराध घटित किया है। आज नगर निगम की टीम द्वारा गोटू तथा उसके भाई के अतिक्रमण वाली जगह से उनके मदाखले दस्ते द्वारा ध्वस्त किया जा रहा है। सभी के लिए बहुत स्पष्ट संदेश है, जो भी अपराधी इस प्रकार का दुस्साहस करेगा उसको कानून जो सजा देगा वो अपनी जगह है। साथ ही उसके जितने भी अवैध काम हैं, अतिक्रमण हैं, उन सबको नेस्तनाबूत कर दिया जाए। पुलिस की कई टीमें आरोपियों की पता रसी के लिए लगी हुई हैं, उम्मीद है जल्दी हम पकड़ लेंगे। मुख्य आरोपी गोटू पर 10,000 रुपये का इनाम घोषित किया जाए और उसके भाई कालू की गिरफ्तारी पर 5,000 रुपये का इनाम घोषित किया गया है और उम्मीद है हम जल्दी पकड़ लेंगे। कितने आरोपी थे पूरे घटनाक्रम में? अभी कल के घटनाक्रम में 4 आरोपियों के खिलाफ नामजद कार्रवाई की गई।